हिंदू चेतना मंच और अपना समाज पार्टी के लोगों द्वारा सोमवार को महानगर के पैडलेगंज स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष भारत के अमर शहीद मंगल पांडे और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद चटर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद मंगल पांडे और बंकिम चटर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने कहा कि विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व हिंदू चेतना मंच के लोगों द्वारा शहीदों के सम्मान में हमेशा कार्यक्रम किए जाते हैं, जो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। इस दौरान सुरेंद्र प्रसाद हिंदू, गीता हिंदू, राजेंद्र सिंह, कंचन हिंदू, नम्रता श्रीवास्तव, राम अवतार निषाद आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष रघुवंश हिंदू और पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने कहा, पांडे अमर रहे, बंकिम चंद चटर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पांडे। रघुवंश हिंदू, हिंदू चेतना मंच, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा और अपना समाज पार्टी के हमारे भाई भी लोग हैं, यहाँ पर सभी लोग जुटे हुए हैं। विश्व का सबसे लंबा तिरंगा और हिंदू चेतना मंच, साथ में अपना समाज पार्टी के भी लोग हैं। आज मंगल पांडे, बंकिम चंद चटर्जी जी का, दोनों लोगों का शहादत दिवस है और इस शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग मंगल पांडे जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि भारत के वो प्रथम शहीद थे। पहली बार आज़ादी का जो बिगुल बजा था उनके द्वारा ही बजा था और पहली जो फांसी दी गई थी मंगल पांडे जी को दी गई थी। ये गोरखपुर में अभी एक दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उनकी कोई मूर्ति नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से उनकी मूर्ति लगवाने की मांग करते हैं कि यहाँ का प्रशासन उनकी मूर्ति लगवाए, जिससे पूरे भारत में आज़ादी के लिए अपना बिगुल बजाने वाले ऐसे महानायक की मूर्ति तो भारत के प्रत्येक शहर में लगनी चाहिए। और पहली बार खुशी से फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति ऐसे महान नायक का श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ ये सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और हमें लगता है कि गोरखपुर में जब मूर्ति लगेगी तो फिर एक नई क्रांति आएगी, जिससे मंगल पांडे जैसे महान क्रांतिकारी और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद चटर्जी जी को श्रद्धांजलि के साथ ये गोरखपुर शहीदों के सम्मान में एक नया इतिहास रचने के रास्ते पर चलेगा। आज हिंदू चेतना मंच और विश्व का सबसे तिरंगा मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज मंगल पांडे जी और बंकिम चंद चटर्जी जी का आज शहादत दिवस है, उन्हें हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये मंच सदैव उन सैनिकों के लिए दीर्घ जीवन की कामना करती है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और उन शहीदों को नमन करती है जिनके त्याग पे, जिन्होंने माँ भारती को अपनी माँ कहा, उनको त्याग के उस को समर्पित करते हुए, इस देश के इस जनमानस को समर्पित करती है और बताती है कि देखो आज हम स्वतंत्र हैं तो इनके त्याग के कारण, आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं इनके बलिदान के कारण, हम उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और समस्त जो हमारे सैनिक हैं उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। हृदय से आभार व्यक्त करते हैं मंच का कि वो देश की रक्षा में हुए जो शहीद हैं उनको हमेशा नमन करते हैं, याद करते हैं और वास्तव में ऐसे होना भी चाहिए। परिवार को जानना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए कि ये हिंदुस्तान किनके समर्पण, किनके त्याग पर टिका है। और मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक ये बात पहुँचती है और देशभक्ति का ये जो जुनून है हर जन तक पहुँचता है। बहुत बहुत धन्यवाद।